परेशानी। नागदा सरकारी अस्पताल में कुपोषित बच्चों को लेकर दस्तक अभियान चलाया गया। शून्य से 5 साल के कुपोषित बच्चों की जांच की गई और जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं उन्हें नागदा सरकारी अस्पताल द्वारा फ्री जांच और इलाज दिया गया। जो बच्चे ज्यादा ग्रसित हैं उन्हें उज्जैन इलाज के लिए भेज दिया गया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो ये कैंप लगाया गया है दस्तक अभियान के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चे, एनीमिक बच्चे, न्यूमोनिया से पीड़ित बच्चे, दस्त रोग से पीड़ित बच्चे एवं जनजाति विकृतियों से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनका इलाज किया जा रहा है और जिन बच्चों का इलाज यहाँ संभव नहीं है उनको उज्जैन जिले में रिफर किया जा रहा है। अभी तक कितने बच्चों का मतलब हो चुका है? लगभग अभी 150 बच्चे हम देख चुके हैं अभी तक और कुछ बच्चे बाकी भी हैं उनको। तो सर शाम तक कितने बजे तक चले गए? ये 5 बजे जब तक बच्चे रहेंगे तब तक चलता रहेगा। बच्चे के डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो आए हैं और जो दस्तक अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें जो जो बच्चे पहचान किए गए जिनको बीमारियां हैं जैसे दस्त रोग है, एनीमिया है, गंभीर कुपोषित है या फिर जनजात विकृति है, तो उन बच्चों को जो हमने रेफर किया था उनको रेफर उज्जैन में करते हुए हमने यहीं पे कैंप लगा दिया है ताकि बच्चों को ज़्यादा आगे उज्जैन तक नहीं जाना पड़े। तो उनका चिन्हांकन करके हमने यहीं पर उपचार किया है, डॉक्टर की टीम आई हुई है और उन बच्चों को यहीं पर उपचार करके उचित प्रबंधन किया गया है। सर अभी तक कितने बच्चों को चेकअप किया जा चुका है? अभी तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन देखा नहीं मैंने, लेकिन करीब करीब 150 करीब बच्चे हो चुके हैं अभी तक और आपको शाम तक रिपोर्ट मिल ही जाएगी। मतलब अभी सर कितने बजे चलेगा ये कैंप? आज पूरे दिन का है? नहीं चले नहीं गए, हम यहीं उपचार कर रहे हैं। नहीं नहीं अब कितने दिन मतलब कितनी देर तक चलेगा? शाम तक कितनी बजे? शाम तक जब तक मतलब बच्चे रहेंगे तब तक समाप्ति तभी होगी जब बच्चे खत्म मतलब पूरे हो जाए, सभी का प्रबंधन उचित हो जाए उसके बाद ही कैंप खत्म होगा।